हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुद्धि आर्ट ऑफ सेडक्शन की समरी। द आर्ट ऑफ सेडक्शन यानी प्रलोभन के विभेदक खेल का अध्ययन करता है, जिसमें बताया गया है कि प्रलोभन मानव मन में क्यों उत्पन्न होता है और आकर्षक लोग इस चाल को अच्छी तरह से जानते हैं। पुस्तक उत्साह पैदा करने, दर्शकों का ध्यान भटकाने, जुनून जगाने और भावनाओं को उत्तेजित करने की रणनीतियों के बारे में भी बताती है। ये तरीके लक्ष्य को सफलतापूर्वक लुभाने में मदद करेंगे। इस किताब में आपके लिए क्या है? प्रेम की भाषा में महारत हासिल करें। अंग्रेजी में शब्द सेडक्शन लैटिन मूल शब्द सेड्यूसेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है भटकाना। हम सभी गुप्त रूप से बहकाना चाहते हैं, दिनचर्या के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और रचनात्मकता और अवसर के नाटक में शामिल होना चाहते हैं। बहकावे में आने का मतलब किसी से प्यार करना नहीं है, बल्कि बहकावे में आना एक लंबे और मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को कैसे आकर्षित करें? कुंजी प्रत्याशा, कल्पना और आकर्षण का निर्माण करना है, ऐसी तकनीकें जो आप इस बुक में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले यह याद रखें, दूसरों को यह न सोचने दें कि आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं और उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे अविश्वास और शत्रुता पैदा होगी। याद रखें, प्यार और नफरत के बीच की रेखा आपकी सोच से कहीं अधिक पतली है। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लियोपेट्रा ने सीजर को कैसे बहकाया, क्यों विपरीत व्यक्तित्व एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पुनर्तः स्वस्थ दांत होना आकर्षक हो सकता है। अपने आप को अपने विषय के दायरे में डुबो दें, लेकिन बहुत अधिक रुचि न दिखाएं। एक सच्चा मोहक जानता है कि जीवन काफी थकाऊ हो सकता है, इसलिए वे अपने साथी की इच्छाओं को प्रज्वलित करने के लिए अनुग्रह और रचनात्मकता पर भरोसा करते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की कल्पना को लापरवाही से जगाने के लिए अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रलोभन का पहला सबक यह दिखाना है कि आपको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सबसे पहले बहुत अशिष्ट मत बनो, यह बहुत स्पष्ट मत करो कि तुम क्या चाहते हो। आपको टेढ़ा और अस्पष्ट होना चाहिए। यदि आप अपने दर्शकों के पास बहुत उत्साह से आते हैं, तो उनकी नजरों में आपका अवमूल्यन हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि आप जल्द ही अपने पत्ते नहीं खोलेंगे तो आप अधिक सफल होंगे। प्रलोभन की कला में सबसे अच्छा यह है कि दूसरे व्यक्ति को पहले अपने पास आने दें, जिससे उन्हें लगे कि वे ही पहल कर रहे हैं। एक तटस्थ प्रभाव बनाएं, स्वयं को उजागर करें, लेकिन सीधे दर्शकों के पास न जाएं। वास्तव में इस तरह लॉजुन के ड्यूक ने राजा लुईस 14 के महल में मोंटपेंसियर की काउंटेस से संपर्क किया। जब काउंटेस पहली बार ड्यूक से मिली, तो उसे कुख्यात लड़की हत्यारे लोत्रियो से प्यार हो गया। लेकिन महल में उनकी बाद की मुलाकात के दौरान ड्यूक उदासीन दिखे। हालांकि कुछ निजी बातचीत के बाद काउंटेस को उससे बातचीत करने में दिलचस्पी हो गई। कुछ ही समय बाद वह उसका विश्वास पात्र बन गया। वह बस एक दोस्त की भूमिका निभाता है और हमेशा अपने विषय के पक्ष में रहता है। काउंटेस उत्सुक थी, क्या उनकी दोस्ती किसी और चीज में बदल सकती है। इस समय ड्यूक को फ्रांस की सबसे खूबसूरत और कुलीन महिलाओं में से एक में दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती है। लॉजुन का दृष्टिकोण धीमा और स्थिर है। वह सावधान था कि जल्द ही बहुत चिंतित न हो जाए। डचेस उत्सुक थी और लॉजुन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने वाली पहली महिला थी। वह जो चाहती थी वह सिर्फ ड्यूक नहीं थी, बल्कि शादी भी थी। एक मोहक गुरु मकड़ी की तरह होता है, जो एक ऐसा जाल बुनता है जो मजबूत, टिकाऊ और पहचानने योग्य नहीं होता है। एक बार जब आप अपने दर्शकों को आकर्षित कर लें, तो परस्पर विरोधी संकेत भेजना शुरू करें। संक्षेप में, प्रलोभन एक मनोवैज्ञानिक खेल है। तो किसी को आप पर ध्यान दिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ताकि वह किसी और चीज के बारे में सोचे बिना आपके बारे में सोचना बंद न कर सके। सबसे पहले आपको अपनी उपस्थिति या अपने कार्यों से लक्ष्य को उत्तेजित करना होगा। फिर परस्पर विरोधी संकेत भेजना शुरू करें।
हम सभी ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, ऐसे लोग जो अप्रत्याशित और अजीब होते हैं। आपको रहस्यमय ध्यान से व्यवहार करना चाहिए ताकि आपके लक्ष्य को लगे कि आप गहरे और संपूर्ण हैं। जटिलता और विरोधाभास पैदा करें। उदाहरण के लिए, आप मासूम दिख सकते हैं लेकिन फिर फ्लिटी दिख सकते हैं, या शायद कुछ शर्मीलेपन के साथ तेज बुद्धि का मिश्रण करें। लिंग पहचान का भी उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक पुरुष अपने कपड़ों या हाव भाव के माध्यम से अपनी स्त्री उपस्थिति को बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी वह मर्दाना दिखता है या मर्दाना मुद्दों के बारे में बात करता है। यह थोड़ा अस्पष्ट भी होना चाहिए और कभी कभी विषय वस्तु के प्रति उदासीन भी होना चाहिए। ठीक इसी तरह जोसेफिन डी ब्यूहरनिस ने नेपोलियन बोनापार्ट को बहकाया और उनकी पत्नी बन गई, भले ही वह इतिहास में सबसे महान फ्रांसीसी सैन्य प्रतिभाओं में से एक थे जो आसानी से एक महिला को चुन सकते थे। महिला मुझे चाहिए, उसने अपने विनम्र व्यवहार से नेपोलियन को आकर्षित किया। उसे अपनी नियमित पार्टियों में आमंत्रित किया जहां वह केवल उस पर ध्यान केंद्रित करती थी, चाहे कितने भी पुरुष उसके आसपास हों। और नेपोलियन की भावनाओं को जगाने के बाद वह क्या करती है? उसने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और इटली में उसके साथ प्रचार करने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। नेपोलियन क्रोधित हो गया, लेकिन फिर उसने अपने सबसे भावुक पत्र लिखकर समस्या का समाधान किया। सबक क्या है? आसानी से विजय प्राप्त न करें। आपको चिढ़ाना और फ्लर्ट करना चाहिए, लेकिन एक कदम पीछे हटने और स्वतंत्र होने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने साथी की असुरक्षाओं का उपयोग करें ताकि वह आपको और अधिक चाहने लगे। आप दूसरों से सबसे अधिक ध्यान और स्नेह कब पाना चाहते हैं? शायद तभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके जीवन में कुछ कमी है। वास्तविकता यह है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते जो पहले से ही अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट है। इसलिए आपको यह दिखाना चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति के दर्द और खालीपन की भावनाओं को कैसे कम करना जानते हैं। हम सभी के मन में आत्म संदेह के क्षण आते हैं। हाँ, हम अपनी असुरक्षाओं को छुपाना जानते हैं, लेकिन अगर कोई उनके बारे में नहीं जानता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे टिकती नहीं है, हमें लगातार पीड़ा नहीं देती है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो यह मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हमारा साथी उन मौजूदा कमियों को भर सकता है। चाहे हम भविष्य के बारे में चिंतित हों, अपने रूप या बुद्धि को लेकर असुरक्षित हों, या बस अवसाद की भावना हो। यह बात सिर्फ प्यार में ही नहीं बल्कि बिजनेस और राजनीति में भी सच है। इन क्षेत्रों में आकर्षक लोग यह धारणा बनाते हैं कि कोई उत्पाद खरीदने या किसी विशेष राजनेता को वोट देने से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी श्रेष्ठता दिखाने का एक तरीका ढूंढना चाहिए ताकि आपका लक्ष्य यह साबित करने के लिए उत्सुक हो कि वे आपके योग्य हैं। वास्तव में इस तरह क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर को आकर्षित किया। उन्होंने बातचीत में उत्कृष्ट सैन्य प्रतिभा वाले अपने पूर्वज अलेक्जेंडर द ग्रेट का उल्लेख किया। इससे सीजर उत्तेजित हो जाता है। क्लियोपेट्रा के उपहास ने जुझारू सीजर की सारी चिंताओं और असुरक्षाओं को भड़का दिया। आपको उसके सामने खुद को साबित करना होगा। हालांकि आपको अपने साथी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने के बारे में बहुत अधिक गंभीर नहीं होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति आपके स्नेह के अयोग्य महसूस कर सकता है। दूसरे व्यक्ति को कम रक्षात्मक बनाने का एक प्रभावी तरीका उसे ध्यान का केंद्र बनाना है। जैसे जैसे वे सहज महसूस करते हैं, आप धीरे धीरे फिर से बढ़त हासिल करना शुरू कर सकते हैं। अब आइए विषय की दुनिया में प्रवेश करने के सर्वोत्तम तरीके का अध्ययन करें। अपने प्रतिद्वंद्वी की सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं की प्रशंसा करने के लिए मीठा शहद का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि शिकारी लाख जैसे छोटे पक्षियों को कैसे पकड़ते हैं? दर्पण का उपयोग करके। जब लाख खुद को दर्पण में देखता है तो वह अपने संभोग नृत्य में शामिल हो जाता है। यह अपने आसपास की सारी समझ खो देता है और आसान शिकार बन जाता है। आप अपने लक्ष्य से इस तरह भी अपील कर सकते हैं, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए एक दर्पण पकड़ें।
यह एक प्रभावी तरीका है क्योंकि जब हमारी प्रशंसा की जाती है तो हम सबसे कम रक्षात्मक होते हैं। जब हमें बताया जाता है कि हम सुंदर, स्मार्ट या अद्वितीय हैं, तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ जाता है और यह एक ऐसी चीज है जिसके हम तुरंत आदि हो जाते हैं। जीन पॉइसन, जो बाद में मार्क्विस डी पोम्पादा बनी, ने यही तरीका अपनाया जब उन्होंने 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राजा लुई 15 को बहकाया और उनकी रखेल बन गईं। लुई 15 हमेशा अपने पूर्ववर्ती सन किंग लुई 14 की छाया में रहते हुए जीवन को जुए और शिकार में बदल दिया, लेकिन पॉइसन ने उसे खुद पर विश्वास दिलाया। उसे एक सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति बनना था और एक उदासीन और अनुपस्थित दिमाग वाले राजा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर काबू पाना था। उन्होंने वास्तुशिल्प परियोजनाएं बनाई जिन पर वह सलाह दे सकते थे और यहाँ तक कि नाटकों के प्रदर्शन के लिए एक थिएटर भी बनाया जिसने उन्हें एक कलात्मक आइकन बना दिया। उसने उसके अंदर गहरे गुणों को उजागर किया और जल्द ही वह उससे पूरी तरह से मोहित हो गया। ऐसा करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के चरित्र, गुणों और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना चाहिए। हम अपने जैसे स्वभाव वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। गहराई से हम सभी आत्ममुग्ध हैं और हम समान रुचि और अनुभव वाले, समान विचारधारा वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। लगातार बदलते रहे और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। एक बार जब आप अपने साथी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो नियंत्रण लेने का समय आ जाता है। उनकी भावनाओं के साथ खेलें और उन्हें जिज्ञासु बनाएं। आप अनियमित व्यवहार करके ऐसा कर सकते हैं। यहाँ का रहस्य नवीनता, रहस्य और सहजता है। यदि यह बहुत नर्म है तो दूसरा पक्ष जल्द ही इसमें रुचि खो देगा। हम सभी को रोमांच पसंद है। बस कोई फिल्म देखने या किताब पढ़ने के बारे में सोचें। हमें खुशी है कि कहानियाँ हमें मोड़ों और मोड़ों के बीच मार्गदर्शन देती हैं। यह प्रलोभन की कला की विशेषता है। दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के कई तरीके हैं। बस रचनात्मक होना होगा। इसे एक दिलचस्प चुनौती के रूप में देखें। अपने प्रतिद्वंद्वी को नई और रोमांचक जगहों पर ले जा सकते हैं। शायद अपनी शैली को थोड़ा अलग बदलें या अप्रत्याशित उपहार दें। सबसे अच्छे आश्चर्य वे हैं जो आपके समृद्ध व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। लोग दूसरों से मिलने के तुरंत बाद उनके बारे में राय बनाने लगते हैं और चून की पहली छाप हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती, इसलिए गलतफहमियों से निपटना जरूरी है। थोड़ा सा बदलाव कुछ नया ला सकता है। आप पहले शर्मीले और संकोची हो सकते हैं, लेकिन फिर साहसी या साहसी पक्ष को प्रकट करें। दूसरे पक्ष को आकर्षित करने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग उनकी रुचि को आकर्षित करने और बढ़ाने के लिए करें। अपने स्वरूप की शोभा को उजागर करें। थोड़ा इतराना ठीक है। इसे कपड़े, आभूषण, इत्र या उस वातावरण से आकर्षित किया जा सकता है जो आपके घर का इंटीरियर उत्पन्न करता है। इस बिंदु पर यह जीन पॉइसन का पसंदीदा तरीका है। उसने लुई 15 का गर्मजोशी से रोशनी वाले कमरे में स्वागत किया और आकर्षक इत्र लगाया। उसका पहनावा हर बार अलग होता है और वह राजा को लुभाने के लिए हमेशा एक छोटी सी चीज रखती है। एक समय आएगा जब आपको यह साबित करना होगा कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसा कि हमारे पूर्वज कहा करते थे, कार्य शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं और यह प्रलोभन की कला में बिल्कुल सच है। समय आने पर यह प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि आप एक नेक व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति के मन में आपके बारे में जो भी संदेह होगा वह दूर हो जाएगा और वे वास्तव में आप पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। इसी बात ने नेपोलियन की बहन पॉलिन बोनापार्ट को जूल्स डी कैनोविले की ओर आकर्षित किया। अपने प्रेम संबंधों के लिए मशहूर इस लड़की को कुछ हफ्तों से ज्यादा किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन यह दंत चिकित्सक कैनोविले की निस्वार्थता का ही नतीजा था कि पॉलिन को उससे प्यार हो गया। उनकी मुलाकात के कुछ ही समय बाद पॉलिन को दांत में दर्द होने लगा। कैनोविले ने उसे अपना दांत निकलवाने की सलाह दी, लेकिन वह दर्द सहन नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की और समझाया कि निष्कर्षण प्रक्रिया बहुत सरल है। पॉलिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ।
वह स्पष्ट प्रमाण चाहती थी। बिना दोबारा सोचे कैनोविले अपने दंत चिकित्सक के पास भागा और विशेषज्ञों से उसका एक बिल्कुल स्वस्थ दांत निकालने के लिए कहा। इस निस्वार्थ कार्य ने पॉलिन का दिल जीत लिया। लेकिन निसंदेह आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत अधिक बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अवसरों पर नजर रखें और यदि वे नहीं हैं, तो उन्हें बनाएं। कई बार ऐसा होगा जब आपके साथी को किसी चीज की जरूरत होगी, जैसे कोई समस्या सुलझाना या थोड़ी मदद। इन्हें नजरअंदाज न करें। एक बार जब आपको इसमें महारत हासिल हो जाए तो आवश्यकता से अधिक कार्य करें। आपकी दयालुता की सराहना की जाएगी। सुनिश्चित करें कि आपके प्रयास पर ध्यान दिया जाए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो इसका धीरे से उल्लेख करें। इसे काम करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरतों के बारे में जागरूक होना होगा। यदि दूसरे पक्ष को इसकी आवश्यकता नहीं है तो भारी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने प्रतिद्वंद्वी की बचपन की यादों को अपनी विजय को बढ़ावा दें। बचपन की यादें कोमलता से लेकर परित्याग की भावनाओं तक सभी प्रकार की मजबूत भावनाओं को भड़का सकती हैं। और एक बार जब वे यादें उजागर हो जाएंगी तो दूसरा व्यक्ति आपके प्रति और अधिक खुल जाएगा। वास्तव में आप अपने भावनात्मक संबंध को मजबूत करने के लिए अपने साथी की यादों का उपयोग कर सकते हैं। आप शायद जानते होंगे कि फ्रॉयड की कई महिला मरीजों का उस पर क्रश था। खैर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मरीज अपने बचपन के क्षणों को याद करते हैं तो फ्रॉयड मौजूद होते हैं, जिससे गहरे संबंध की भावना पैदा होती है। जब फ्रॉयड ने मरीजों की यादों को टटोला, खासकर उन लोगों की जो अपने पिता से गहराई से जुड़े हुए थे, तो वह मौजूद थे लेकिन अलग थे। मरीज उस व्यक्ति के लिए मजबूत भावनाएं दिखाते हैं जो शांत रहता है और उनकी देखभाल करता है, उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करता है। यह प्रभाव, जिसे स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है, फ्रॉयड के उपचार का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह लंबे समय से दमित भावनाओं को पुनर्जीवित करता है। हम जवानी के उन दिनों की चाहत रखते हैं जब हम खुश, उन्मुक्त और सुरक्षित थे। यदि आप इन भावनाओं को उत्तेजित कर सकते हैं, तो आपका साथी जल्द ही इन भावनाओं को आपके साथ जोड़ देगा। इसका मतलब है कि वे आपके सामने रोमांटिक और यौन भावनाओं सहित सभी प्रकार की कल्पनाएं भी व्यक्त करेंगे। ऐसा करने के लिए एक मनोचिकित्सक की तरह एक अच्छा श्रोता बनकर शुरुआत करें। अपने साथी को उनके बचपन के बारे में बात करने दें, उन्हें यादें ताज़ा करने के लिए प्रेरित करें और इस प्रक्रिया में उनकी कमजोरियों और भावनात्मक ट्रिगर्स के बारे में विवरण इकट्ठा करें। हालांकि इसे विषय की भावनाओं से अलग रखें। इसके बजाय वे क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं उसे सुने और उन चीजों पर ध्यान दें जो अक्सर दोहराई जाती हैं। फिर एक बार जब आप जान लें कि उन्हें बचपन से क्या लगाव है या उन्हें अपने माता पिता के बारे में क्या याद है, तो उस जानकारी का उपयोग करें। आप देखभालकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं या अपने साथी की गहरी जरूरतों को पूरा करने के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें सुरक्षा, अनुशासन या निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। कुंजी सुनना है। यदि आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो आपको अनाकर्षक बनाती है, तो उससे छुटकारा पा लें। क्या आपको कभी किसी ने पहली मुलाकात में अस्वीकार कर दिया है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने एक खास विशेषता प्रदर्शित की है जो बहुत अनाकर्षक है। यह एक सबक है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को लुभाने में महत्वपूर्ण बात यह है कि अनाकर्षक लक्षण प्रदर्शित न करें। तीन मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले, दिखाएं कि आप संकीर्ण सोच वाले हैं। जो लोग भौतिक रूप से उदार नहीं हो सकते, वे संभवतः भावनात्मक रूप से भी उदार नहीं होंगे। पैसों के मामले में कंजूस होना एक निश्चित संकेत है कि आप भावनात्मक रूप से कंजूस होंगे। इससे भी बदतर, यदि आपको पता नहीं है कि आप कंजूस हैं, तो भी आप सोचेंगे कि आप महान हैं। आप एक जोरदार खाली डिब्बे के रूप में नजर आएंगे। दूसरा, हास्य की कमी। हास्य की कमी अधिक गंभीर समस्याओं का संकेत है। यदि आप मानसिक रूप से, यहां तक शारीरिक रूप से भी कठोर हैं, तो यह दर्शाता है कि आप नहीं जानते कि नई परिस्थितियों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। आप कुछ बुनियादी
नियमों का पालन करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि सभी लोग भी उनका पालन करें। इसके अलावा यदि आप में हास्य की भावना की कमी है तो आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। शायद आप भी बहुत संवेदनशील होंगे और अपनी खुशी से खेलने में असमर्थ होंगे। यह दिखाना कि आप डरते हैं अनाकर्षक है, इससे आप किसी के लिए आकर्षक नहीं रह जाते। तीसरा, ध्यान की कमी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। यदि आप स्थिति के अनुरूप नहीं ढलते हैं या दूसरे व्यक्ति को सूक्ष्मता से नहीं समझ पाते हैं तो आप केवल घृणा पैदा करेंगे, विशेषकर रिश्तों में। यह न केवल निराशाजनक है बल्कि हमने प्रलोभन की कला के बारे में जो सीखा है उसके विपरीत भी है, जो विवरण और छोटी चीजों के उपयोग पर निर्भर करता है। बस याद रखें, यदि आप अपने अंदर इन लक्षणों को पहचानते हैं तो छोड़ दें। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण संदेश, किसी को आकर्षित करने के लिए आपको अपना दबदबा बनाए रखना होगा और यह समझना होगा कि दूसरों को क्या आकर्षित करता है। अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनो इंजीनियरिंग की शक्ति का उपयोग करें। आश्वस्त रहें, उन्हें अभ्यस्त महसूस कराएं और उनकी भावनाओं के अनुरूप रहकर अपने लक्ष्य को आकर्षित करें। सूक्ष्मता और रहस्य का प्रयोग करें और विस्तार पर ध्यान दें। अपने दृष्टिकोण और व्यवहार पर नियंत्रण रखें और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अप्रत्याशित रहें। सलाह दें, अपने दोस्तों और प्रशंसकों के साथ रहें। अपने आप को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपने दर्शकों को अपने दोस्तों या ऐसे लोगों से घिरा हुआ देखें जो आपको पसंद करते हों। आपके बारे में अन्य लोगों की राय आपके दर्शकों की राय को प्रभावित करेगी और आपके आसपास जितने अधिक प्रशंसक होंगे आप उनकी नजरों में उतने ही अधिक आकर्षक बनेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में दी आर्ट ऑफ सेडक्शन बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखे और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।